रायबरेली समाचार चैनल देखने के लिए YouTube के आप सभी दर्शकों को धन्यवाद व आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें। नामांकन के पांचवें दिन 17 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। कई प्रत्याशियों ने मानकों को तोड़ा, कई साथियों के साथ अंदर किया प्रवेश। रायबरेली जिले के कई दिग्गजों ने नामांकन कर विधानसभा चुनाव में ताल ठोंक दी है। एक सदर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी आदिति सिंह नामांकन करने पहुंची। दो सदर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के आरपी यादव नामांकन करने पहुंचे। तीन ऊंचाहार विधानसभा से मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से नामांकन करने पहुंचे। चार बछरावा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से सुशील पासी। पांच सरेनी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सुधा द्विवेदी। छह ऊंचाहार से कांग्रेस से प्रत्याशी अतुल सिंह नामांकन करने पहुंचे। इनके अपने मुखिया के निर्देश पर और समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में आज पर्चा हमने दाखिल किया है। मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि वो हमें इतनी शक्ति दे कि जो कार्य अभी भी उत्तर प्रदेश में बचे हैं, वो चाहे किसानों का संकट हो, चाहे बेरोजगार नौजवानों का हो, चाहे गरीब लोगों के आवास का हो, बचे हुए लोगों को पेंशन का हो, वो हमें शक्ति दे और जो बचे कार्य हैं और जो खासकर 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जानबूझ के नहीं कराए गए हैं, हम अपने परिवार रूपी जनता तक उनकी उन समस्याओं का निराकरण करा सकूं और उनके अधिकार उन तक पहुंचा सकूं। भारतीय जनता पार्टी ने अमरपाल मौर्य को उतारा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ठीक बात है। अब ये भारतीय जनता पार्टी का अपना निर्णय है और किसी पार्टी के किसी निर्णय पर हमें कुछ नहीं कहना है। ये धर्म युद्ध है। ये युद्ध इस बात का नहीं जीतेगा हारेगा कौन, ये युद्ध इस बात का भी लड़ाई है। और डेमोक्रेसी में कोई लाठी और डंडे की लड़ाई नहीं होती है, लोकतंत्र का तगाजा है जनता जिसको वोट देने का काम करे। ये लड़ाई है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को छुट्टा जानवरों से निजात मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनके उत्पादन का मूल्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 1500 रुपये में बिक रहा गेहूँ और 1250 रुपये में बिक रहा धान, इसकी कीमत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। खाद उसे जो 4 महीने तक नहीं मिली लगातार, 710 रुपये में बिकने वाली खाद 1400 में बिकी, उसे सही रेट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज उम्मीद करके उत्तर प्रदेश के लोग बैठे हैं। अखिलेश भैया कब आएंगे और माताओं बहनों को 1500 की पेंशन देंगे? आज उत्तर प्रदेश उम्मीद करके बैठा है, वह दिन कितनी जल्दी आए कि गाँव के गरीब लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने का काम हो। आज नौजवान आस लगाए बैठा है अखिलेश यादव जी कब शपथ लेंगे, 10 लाख नौजवानों को नौकरी पहले साल में देने का काम करेंगे। और आज यह पूरा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी ने अपने जो भी घोषणा पत्र में कहा और जनता से जो वादा किया उसने पूरा करने का काम किया। और आज किसान जानता है कि वो नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव हैं जिन्होंने एक झटके में उत्तर प्रदेश के किसानों की सिंचाई को माफ़ करने का काम किया, सहकारिता के कर्जे को माफ़ किया, पहली बार लोहिया के सपनों को कि बेरोजगारों को भत्ता देने का काम किया। आज 108 102 एम्बुलेंस लोगों के लिए लाइफ लाइन है, जीवन को बचाने का काम कर रही, अखिलेश यादव जी की देन है। अगर आप देखें आज उत्तर प्रदेश में तो जो कार्य और जो सड़कों को बनाने का और डेवलपमेंट का दृष्टांत उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने दिया था, आज भी लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं अखिलेश जी कब आएंगे, समाजवादी पार्टी कब आएगी और उनके डेवलपमेंट के कार्य और रुके हुए विकास कार्य कब पूरे होंगे।